लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में हुई धक्का मुक्की के बाद आज सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी सदस्य इधर से उधर किसी की सीट पर नहीं जाएगा और इसका उल्लंघन करने वाले को पूरे सत्र के लिए निलंबित। नई दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में हुई धक्का मुक्की के बाद आज सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी सदस्य इधर से उधर किसी की सीट पर नहीं जाएगा और इसका उल्लंघन करने वाले को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही दिल्ली में हिंसा पर चर्चा कराने की मांग करते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। तभी बिरला ने कहा कि सोमवार की घटना के बाद सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से कोई भी सदस्य इधर से उधर नहीं जाएंगे और अब जो भी ऐसा करेगा उसे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। सोमवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर चर्चा की शुरुआत के दौरान ही सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक और कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में हाथापाई हो गई थी। बिरला ने कहा था, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि संसद की मर्यादा बनाए रखें, वरिष्ठ सदस्य हस्तक्षेप कर सदन की गरिमा बनाए रखें। सदन में जो हुआ उससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूँ। मैं ऐसी परिस्थिति में सदन नहीं संचालित करना चाहता। सब मिलकर विचार कर लें, एक मर्यादा बन जाए। बिरला ने सदस्यों को सदन में प्लेकार्ड और बैनर लेकर नहीं आने की हिदायत दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आप लोग तय कर लें कि सदन अब प्लेकार्ड से चलेगा और अपने अपने दल की ओर से घोषणा कर दें कि सदन को प्लेकार्ड से चलाया जाएगा। उसके बाद हंगामा बढ़ गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष के हंगामे के कारण 2 दिन से संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ है।